अलगम स्टूडेंट्स आई एम रमीज जराई फ्राम के एन एस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ मेन चीज़ जो आज की वीडियो का मैसेज है कि आपको पता है कि दिस इज़ द लास्ट वीक बिफोर डिसम्बर अटेम्प्ट फॉर स्किल पेपर एंड प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल पेपर तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इस लास्ट वीक में बहुत एक्सट्रीम कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि सर अब हम इस लास्ट वीक में रिविजन कैसे करें अब हमें लास्ट वीक में क्या करना चाहिए और कुछ डरे हुए भी होते हैं बहुत ज्यादा खासतौर तौर पे टीएक्स और एटीएक्स के स्टूडेंट जो होते हैं टैक्सेशन टे और एडवांस टैक्सेशन का जो बच्चा होता है वो उसके ऊपर ये जो आखिरी हफ्ता होता है ना पेपर से पहले वाला आखिरी हफ्ता ये बड़ा भारी पेपर होता है और मैं एक अरसे से ये और का पेपर पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ और मोर और लेस जो लास्ट वीक का फीडबैक है अगर मैं अपने ओवरऑल करियर में देखूं तो मेरे ख़्याल में ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट चलता हुआ आ रहा है मतलब जो आज से आठ साल पहले जो स्टूडेंट्स का फीडबैक था एक हफ्ता पहले आज भी वही स्टूडेंट्स का फीडबैक है और मेन फीडबैक जो टैक्सेशन और एडवास टैक्सेशन के स्टूडेंट्स का आ रहा होता है वो ये होता है कि सर रूल्स रिटेन करना मुश्किल हो रहा है यानी कि हमें चीज़ें याद नहीं रह रही और चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं तो देखिए ये ये एक नॉर्मल सिचुएशन है क्योंकि टी और ए टी से रेटेड आपको पता है कि उसमें छोटे छोटे इतने सारे रूल्स हैं कि उनको पूरा 100 परसेंट रिटेन करना और 100 परसेंट याद करना पर्टिकुलरली ना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है और फिर साथ, साथ ये भी हो रहा होता है कि जी अगर आपको याद भी होते हैं तो आपको आपको टेंशन हो रही होती है कि यार पता नहीं मुझे याद है कि नहीं याद है ये एक साइकोलॉजिकल इशू भी है ना थोड़ा सा कि आप बच्चा या बच्चा जब अगले टॉपिक की तरफ आता है तो उसको, उसको ऐसा लगता है कि मैं पिछला वाला टॉपिक भूल गया हूँ जबकि ऐसा होता नहीं है जब उससे पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल करें या कुछ पूछें तो उसको वो आता आ, आ रहा होता है लेकिन वो बेसिकली टेंसड होता है कन्फ्यूज होता है पेपर प्रेशर होता है जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैं पीछे वाली चीज़ें भूल रहा हूँ तो देखिए पर्टिकुलरली एज अ टीचर ऑफ दिस दिस टू पेपर स्पेसिफिकली टी एक्स एंड ए टी एक्स मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि देखें रिविज़न uh, जो होता है ना वो बेसिकली वन टाइम रिवीजन होता है आप एक दफ़ा ग्रैंड रिवीजन करें मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं टी एक्स और ए टी एक्स के उन्हें आइडिया होगा कि मैंने उनको एक ग्रैंड रिवीजन प्लान दिया था सही है ना टेन टू ट्वेल्व डेज का ग्रैंड रिवीजन प्लान था फॉर टैक्सेशन स्टूडेंट्स एंड फॉर द ए टी एक्स एडवांस टेक्सेशन स्टूडेंट्स ये बेसिकली आप उस ग्रैंड रिवीजन प्लान आपको फुलफ़िल करें जब आप अपना एक ग्रैंड रिविजन कर लें देन टोटल फोकस ऑन द पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस मेन चीज फॉर बोथ टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्सेशन पास पेपर्स की प्रैक्टिस पर फोकस करें क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें और वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व नहीं किए इसका मतलब है कि कुछ सवाल होंगे जो मैंने सॉल्व करवाए होंगे कुछ होंगे जो आपने कर लिए होंगे लेकिन अब आप उन क्वेश्चंस को फोकस करें जिन क्वेश्चंस को आपने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ ठीक है ना नए क्वेश्चन को सोल्व करें पर्टिकुलरली जब आप नए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तब आपको ये आइडिया होगा कि आप कितने पानी में आपको कितनी चीजें याद हैं कितनी चीजें आपको भूली हुई है, हैं वो सवाल आपको बताएगा रिवीजन तो अगर आप करते रहेंगे हैंड आउट उठाकर रजिस्टर उठाकर रिवाइज करते रहेंगे तो ये चलता रहेगा पेपर पेपर वाले दिन तक क्या पेपर वाले घंटे तक चलता रहेगा तो आप फोकस नाउ दिस इज द लास्ट वीक फोकस ऑन द पास्ट पेपर प्रैक्टिस

वो वॉन्ट्स टू गिव दूट्स टू गिव द मॉक एग्जाम ऑफ टेक्शन एंड एडवास टेक्सेशन आप मुझसे कोर्डिनेट कर लें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें मैं आपसे मॉक एग्जाम शेयर कर लूंगा और वो आप मॉक एग्जाम सोल्व करके मुझे चेक करवा सकते हैं मैं आपको चेक करके फीडबैक दे दूँगा और उस मॉक एग्जाम के अलावा जो आपने एक चीज़ सोल्व करनी है दैट इज़ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर ए सी सी ए ने जो नए मॉक एग्जाम अपलोड किए हैं वो मॉक एग्जाम्स आपने जरा ज़रूर सोल्व करना है पेपर में जाने से पहले एटलीस्ट सॉल्व थ्री मॉक एग्जाम इन एग्जाम बेस्ड एनवायरमेंट तीन घंटे सवा तीन घंटे एक जगह पर बैठकर एक साथ कंटिन्यू बेसिस के ऊपर सवाल सॉल्व करें इससे आपको आइडिया होगा कि आपको कितनी चीजें याद हैं कितनी चीजों में आपको प्रॉब्लम है प्लस आपको ये आइडिया होगा खासतौर पे ए के स्टूडेंट से बात याद रखें कि आपको ये आइडिया होगा कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर अपना पेपर कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे क्योंकि ए के अंदर एडवांस टेक्सेशन में खास तौर पर बच्चों की ये शिकायत आ जाती है कि सर पेपर पूरा नहीं हो पाया टाइम मैनेजमेंट में मसला हो गया किसी एक सवाल में टाइम ज्यादा दे दिया दूसरे में कम दे दिया टाइम मैनेजमेंट में इशू हुआ जिसकी वजह से पेपर नहीं हो पाया तो पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि आप कम से कम तीन मॉक एग्जाम जो है ना वो सॉल्व करें आपने तीन मॉक एग्जाम एग्जाम एनवायरमेंट में सॉल्व किए हुए होंगे तो आपको आइडिया होगा वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से सवाल पे कितना टाइम लगाना है लेकिन उसके बावजूद भी जब आप मॉक एग्जाम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा तो टेक अवे में दो तीन पॉइंट्स है ग्रैंड रिविजन वंस यू दैट फिर आप मूव करें टुवर्ड्स द पास पेपर क्वेश्चन सिर्फ पास पेपर की प्रैक्टिस करें और उन क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करें जो आपने नहीं किए हुए नए सवाल आपको बताएंगे कि आप कितने पानी में है और उससे आपको ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक एग्जाम्स मेरे मॉक एग्जाम्स हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करें मैं आपको दूंगा आप सॉल्व करें और एसी ए -सी -सी के पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर जो मॉक एग्जाम्स हैं वो सॉल्व करें आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स जो इस वक्त दिसंबर अटेंड में पेपर देना चाह रहे हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी चीज़ अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं के एन एस में हफ़्ते के छः दिन मौजूद होता हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आप तमाम लोगों के पास मौजूद है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जजाकल्ला हाफि